हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे VLCC इंस्टा ग्लो फेशियल किट के बारे में, जो कि सैलून सीरीज फेशियल किट है। अगर आपके फेस पे ग्लो नहीं है तो आप इस फेशियल किट का यूज करें। ये 4-स्टेप फेशियल किट है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फेशियल करना। सबसे पहले मैं इनके सभी बालों को कवर करूंगी हेयरबैंड की हेल्प से। फर्स्ट स्टेप है स्क्रब, जिसको मैं इनके पूरे फेस पे लगाऊंगी फेस पैक की तरह, और 2 मिनट ऐसे ही रहने दूंगी। और उसके बाद अपने दोनों हाथों को गीला करके मसाज करूंगी हल्के हाथों से। इसका स्क्रब थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए आप हल्के हाथों से इसकी मसाज करें। जितना भी इनके फेस पे डस्ट होगा, डर्ट होगा, ब्लैक हेड्स होंगे, व्हाइट हेड्स होंगे, वो बहुत अच्छे से क्लीन होंगे। मसाज करते समय अपने हाथों को गीला रखेंगे पानी से, और सारे स्टेप्स को वीडियो के अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे, और सारे स्टेप्स को सर्कुलर मोशन में करें। स्क्रब की मसाज करते समय आई एरिया अवॉइड करेंगे। ये ऑल स्किन टाइप फेशियल किट है, इसे कोई भी यूज कर सकता है। स्क्रब की मसाज कंप्लीट करने के बाद मैं गीले टिश्यू टॉवल से इनका फेस क्लीन करूंगी। इसके बाद मैं इनके ब्लैकेट्स रिमूव करूंगी। ब्लैकेट्स रिमूवर को आप हल्के हाथों से यूज करें। नोज के आसपास, चिन के आसपास काफी ज्यादा ब्लैकहेड्स होते हैं, वहां पर आप अच्छे से ब्लैकहेड्स को रिमूव करें। यहाँ पर मैं आइस क्यूब से 1 से 2 मिनट मसाज करूंगी, क्योंकि इनके फेस पे जितने भी ओपन पोर्ट्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद मैं गीले टिश्यू टॉवल से डैब डैब करके इनका पूरा फेस अच्छे से क्लीन करूंगी। सेकेंड स्टेप है जेल, जिसकी मसाज मैं करूंगी इनके फेस पे 4 से 5 मिनट तक। जेल को भी मैं इनके पूरे फेस पे फेस पैक की तरह लगाऊंगी और 2 मिनट ऐसे ही रहने दूंगी। उसके बाद मैं मसाज करूंगी। जेल की मसाज करते समय मैं यहाँ पर पानी का यूज नहीं करूंगी, डायरेक्ट मसाज करूंगी अपने हाथों से। जेल इनके फेस को कूलिंग इफेक्ट देगा। जेल को एब्जॉर्ब होने तक इनके पूरे फेस पे मसाज करेंगे। फेशियल के सारे स्टेप्स आप वीडियो में देख सकते हो। सारे फेशियल के स्टेप्स आप वीडियो के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि गलत स्टेप से फेस मसल्स में दर्द होता है और फेस पे ग्लो नहीं आता। जेल की मसाज कंप्लीट करने के बाद मैं इनका फेस क्लीन नहीं करूंगी। थर्ड स्टेप है फेस क्रीम, जिसकी मसाज मैं करूंगी इनके फेस पर 8 से 10 मिनट तक। क्रीम की मसाज करते समय मैं अपने दोनों हाथों को पानी से गीला रखूंगी, जिससे मेरे हाथ स्मूथली चलेंगे। मसाज करते समय आप हाथों का प्रेशर
स्किन के अकॉर्डिंग रख सकते हो। इस फेशियल किट को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो पर्पल नाइका और अमेज़न से। फेशियल करवाने से जो हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए महीने में एक बार फेशियल जरूर करवाना चाहिए। फोरहेड पर इस तरह से मसाज करें। दोनों आंखों को रिलैक्स करने के लिए और डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए इस तरह से आईज पर मसाज करें। जो फेशियल करने का टाइम होता है वो 45 टू 50 मिनट्स होता है, इसलिए आप पूरा टाइम देकर ही फेशियल करें, जिससे आपके फेशियल के रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी अपने फेस पे मिलेंगे। मसाज कंप्लीट करने के बाद मैं गीले टिश्यू टॉवल से इनका फेस बहुत अच्छे से क्लीन करूंगी। फोर्थ स्टेप है फेस पैक, जिसको मैं पानी के साथ मिक्स करूंगी। आप रोज वाटर के साथ भी मिक्स कर सकते हो। फेस पैक को मैं लगाऊंगी नीचे से ऊपर की ओर। फेस पैक लगाने के बाद बात करना अवॉइड करें। कॉटन को रोज वाटर में डिप करके मैं इनके दोनों आंखों में लगाऊंगी, जिससे इनको काफी ज्यादा ठंडक महसूस होगी। फेस पैक ड्राई होने के बाद मैं दोनों हाथों को गीला करूंगी अपने, और उसके बाद 2 मिनट मसाज करूंगी और फिर फेस पैक को रिमूव करूंगी, जिससे फेस पैक बहुत अच्छे से रिमूव होगा। आप देख सकते हो वीडियो में कि इनके फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।